दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको आंवला सिद्ध तिल का तेल बना के दिखाएंगे जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, एके आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों आपने बालों के लिए तरह तरह के तेल बाजार में देखे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आंवला तेल के नाम पे भी बहुत सारे तेल बाजार में बिकते हैं, लेकिन क्या पता वो आंवला तेल है या नहीं है। वैसे तो आंवले में तेल नहीं होता, लेकिन किसी भी बेस ऑयल को लेके आंवले से सिद्ध करके तेल बनाया जा सकता है, जिसमें आप तिल का तेल ले सकते हैं, नारियल का तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं, या कोई भी फायदेमंद तेल आप ले सकते हैं। लेकिन बाजार में मिलने वाले जितने भी आंवला तेल हैं उनमें ये तेल भी न होकर लिक्विड पैराफाइन यानी LLP का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक तरह का खनिज तेल है यानी मिनरल ऑयल है, जिस तरह से हमारा पेट्रोलियम होता है उस तरह का। तो दोस्तों ज़्यादातर जो बाज़ार में तेल मिलता है वो उसी का होता है। आज हम आपको एक ऐसा तेल बना के दिखा रहे हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने बालों की सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं और आपके घने सुनहरे काले बाल फिर से लहराएंगे। ऐसा आज को आपको एक तेल बना के दिखाऊंगा, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और आज हम आपको आंवला सिद्ध तिल का तेल बना के दिखाएंगे। दोस्तों इसको बनाना बहुत ही आसान है। सिंपली आपको बाजार से आंवले लेके आने हैं और उन आंवलों को कूट के उनका कल्प बना लें या पेस्ट बना लें। आप मिक्सी में डाल के भी इसको पीस सकते हैं या फिर सिलपट्टे पे कूट के इसका पेस्ट बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो इसका अलग से रस निकाल के उसको डाल के भी प्रयोग कर सकते हैं। सिंपली आपको जो भी बेस ऑयल लेना है, हम आप यहाँ पे तिल के तेल का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि तेलों में तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो हमने तिल का तेल लिया है, जितना हम तेल लेते हैं उसकी दुगनी मात्रा में आपको आंवले लेने होंगी। यानी अगर 10 लीटर तेल लेते हैं तो 20 किलो आंवले आपको लेने होंगे, अगर आप 1 लीटर तेल लेते हैं तो लगभग 2 किलो आप आंवले लीजिए। उनको कूट के उनको या तो उनका रस निकाल लीजिए या फिर उसका कूट के पूरा कल्क ही तेल के अंदर डाल दीजिए। तो देखिए हमने इस तरह से तेल लिया है, उस तेल में आंवले का कल्क डाल दिया। फिर दोस्तों इसको हल्की आंच पे पकाते रहें। हो सकता है अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, कम मात्रा में लेंगे तो टाइम कम लगेगा, लेकिन फिर भी 2-3 घंटे आपको लग जाएंगे अगर हल्की आँच पर आप इसको बनाएंगे तो। दोस्तों इस तरह से आप हल्की आँच से इसको चलाते रहिए, फिर आपका जो तिल का तेल है वो आंवला सिद्ध हो जाएगा। और दोस्तों ये तेल बहुत ही बेहतरीन होगा, आपके बालों की सभी समस्याओं के लिए बहुत ही शानदार होगा। खास तौर से मुख्य रूप से जो बालों की समस्या होती है जिसमें पालित्य, खालित्य, इंद्रलुप्त जैसी समस्या बताई गई हैं। पालित्य यानी समय से पहले ऐसमय सफ़ेद बाल होना, दूसरा होता है खालित्य यानी बालों का उड़ना, बालों का झड़ना या जो टकली निकल जाती है उस तरह की प्रॉब्लम होती है उसको खालित्य बोलते हैं। तीसरी मुख्य रूप से प्रॉब्लम होती है इंद्रलुप्त यानी एक जगह से बहुत सारे बाल एक साथ उड़ जाना। तो दोस्तों इन सभी समस्याओं में ये तेल बहुत ही कारगर है। तो सिंपल दोस्तों आप इसको घर पे इस तरह से बना के प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप घर पे नहीं बना पाएं तो आप हमारे द्वारा बनाया गया तेल भी प्रयोग करके फ़ायदे उठा सकते हैं। उसके लिए आप हमें WhatsApp पे मैसेज करके मंगवा सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पे आप ऑर्डर करके भी इसको मंगा सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल ये तेल आप प्रयोग कीजिए तो निश्चित रूप से आपको बहुत से फ़ायदे होंगे। तो दोस्तों देखिए ये तेल हमारा सिद्ध हो रहा है और हमने इसको हल्की आंच पे पका रहे हैं। पकाते पकाते जब आपका जो कल्क है वो जलने लग जाए या आपको लगे कि भाई पकने जैसी खुशबू आने लग गई है, आप इसी तेल परीक्षा भी कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा आग पर डाल के देखेंगे तो चटट पटट की आवाज़ है वो नहीं आएगी, तो ये मान लीजिए आपका तेल सिद्ध हो गया है। उसमें आप कपड़े की सहायता से इसको अच्छे से छान लीजिए और छान के दूसरे बर्तन में इसको रख लीजिए। फिर आप इसको ठंडा करके किसी कांच की बोतल में या फिर किसी ऐसी कंटेनर में रख सकते हैं जहाँ से आप इसको आसानी से लगा सकें। अब दोस्तों इसको प्रयोग करना भी बहुत आसान है। इसको देखो नहाने से पहले आप एक आधे घंटे पहले अच्छे तरह से झंपी करके प्रयोग करें। सप्ताह में 2-3 बार अगर आप बाल धोते हैं या लगातार बाल धोते हैं तो कम से कम 2-3 बार तो इसको थोड़ी देर लगा के रखें, तब जाके ये आपके जो शरीर में पूरी तरह समा पाएगा, जो आंवले के जितने गुण हैं वो आपको मिल पाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों खाने पीने का बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप सोचते हैं कि बालों पे लगाने से ही बाल ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है, शरीर को अंदर से भी पोषण देना होता है। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखें कि आपके स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है, उसके लिए ऐसे घरेलू नुस्खे आप बनाते रहिए। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, हम इसी तरह की वीडियो बताते रहते हैं। दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि बाज़ार से आप एक तेल लेने जाएं, एक प्रॉब्लम के लिए तेल लेने जाएं
और दूसरी प्रॉब्लम आपको मिल जाए, तरह तरह की दवाइयाँ आपको खानी पड़े। इसीलिए शुद्ध चीज़ अपनाइए जिससे आपको ज़्यादा फायदा मिले। दोस्तों, आपको बाजार के आंवला तेल दिखाए जाते हैं कि बिल्कुल हरे रंग के होते हैं, लेकिन अगर आप घर पे आंवला तेल बनाएंगे तो वो हरे रंग का नहीं बनेगा। सिंपली बेस ऑयल में थोड़ा सा हरा रंग आएगा जो कि एकदम शुद्ध आंवला तेल होगा। अगर आप बाजार के तेलों पे जाएंगे तो उनमें हरा रंग भरा पड़ा रहता है जो कि पूरी तरह केमिकली होता है। तो आप सिंपल घर पे बना के आंवला तेल प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो आंवले के गुण बताए गए हैं, जो फायदे बताए गए हैं, वो आपके बालों को मिलेंगे और आपके बाल सदा सुनहरे, काले, लंबे, घने रहेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी घर पे तेल बना के प्रयोग कीजिए तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एके आयुर्वेद आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।